शख्स, मेरी पूरी जिंदगी मैंने वेट लॉस के लिए काफी स्ट्रगल किया है। जहाँ जाऊँ जिसको पूछा सब ने एक ही चीज बोला, सलाद खाओ वजन घटाओ। अब इतने बोरिंग सलाद रोज कैसे कोई खा पाएगा। सही बात है। सो मैंने मेरे लिए ओवर द टाइम हेल्दी डिलीशियस एंड क्रिएटिव सलाद बनाना सीख लिया। आजकल ना तो लोगों के पास टाइम है सलाद बनाने का, ना ही इतने क्रिएटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैंने मेरे बेटे के साथ मिलकर स्टार्ट किया द सिंपली सलाद। द सिंपली सैलेड एक अहमदाबाद का क्लाउड किचन है जो तरह तरह के हेल्दी, टेस्टी और क्रिएटिव सैलेड्स आपके घर पे डिलीवर करता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लो फैट और लो कार्ब्स है। हमने इसमें रखा है फ्रेशनेस को बरकरार और हमारे हर सलाद को हमने दिया है एक इंडियन टच, और साथ ही साथ हमने इसको अफोर्डेबल रखा है। और आप हमारे सैलेड वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा मंगा सकते हैं या इसे स्विगी जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने इसकी शुरुआत 2020 अगस्त में की थी, तब से लेके आज तक में हमने एक छोटे से क्लाउड किचन में से 35,000 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं। वाओ, वाओ, वेरी नाइस। और हम दिन के 80 से 90 ऑर्डर आसानी से डिलीवर करते हैं और शख्स ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। और हमारा ये फोकस है कि आज ये सलाद हर घर हर शहर तक पहुंचे, लोग सलाद को ना ना कहे और खुश होके सलाद खाए। सो फॉर दैट हमारी आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी। ओह वाओ। मैं नॉर्मली बहुत एक्साइटेड होता हूँ कोई फूड पे चाहती है, बट आपको पता है सलाद देख के। पहले तो आपका शार्क टैंक में स्वागत है पायल जी। Thank और you. कभी पहले सुना नहीं है कि कोई बेटा अपनी मिडल नेम में मदर का नाम लगा रहा है, तो ये आपका डिसीजन था या पायल जी आपका डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन था बिकॉज शी इज अ सिंगल मदर। ओवर द पीरियड शी हैज रेज्ड मी सिंगल हैंडेडली। जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने सब देखा जर्नी एंड आई अंडरस्टूड दैट शी डिजर्व्स दैट माई नेम शुड हैव पायल। अब क्या उम्र है आपकी? 19 साल। अरे अरे, हैट्स ऑफ। तो पायल जी थोड़ा अपनी कहानी बताइए कि ये सिंपली सैलेड कैसे बन गया? मैं एक दोराजी करके राजकोट के पास एक सिटी है, वहाँ से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं, और मैंने एजुकेशन वाइज एमकॉम किया हुआ है और साथ ही साथ फ्रैंकफिन का केबिन क्रू का ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। और मेरी शादी के बाद हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए, और सोहम 2 साल का था जब डाइवोर्स फाइल हुआ था। अच्छा। भगवान की कृपा से फैसला हमारी तरफ आया और सोहम हमारे साथ था। 2 साल बाद जब मैं वापस अहमदाबाद आई, मैं ब्रिटिश एयरवेज में एज अ रिजर्वेशन काउंटर ऑफिसर थी। अच्छा। पर जॉब से बात नहीं बन रही थी, तब ये पीजी का बिजनेस अहमदाबाद में बहुत ट्रेंड में था, तो सोचा कि चलो 4-5 लड़कियां रख लेते हैं तो थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और सोहम को भी थोड़ा, कभी मैं नहीं हुई तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। और पीजी का मतलब क्या है? पेइंग गेस्ट। अच्छा, पेइंग गेस्ट। जॉब मैंने छोड़ दिया था और पीजी के बिजनेस पे ही मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसे करते करते काफी, मतलब 150 लड़कियां थी मेरे पास बिफोर कोविड। पर लाइफ इज ऑलवेज अ रोलर कोस्टर, तो वापस कोविड आया तो लड़कियां सब चली गई और जो भी सेविंग था वो यूज किया। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे स्विगी जोमेटो काफी आ रहा था, बैचलर्स रह रहे थे क्योंकि फैमिली चली गई थी कोविड की वजह से घर, तो उनको फूड की जरूरत थी। तो मैंने और सोहम ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा फूड दे कि जो मार्केट में हमारे कोई कॉम्पिटिटर ना हो, कुछ ऐसा अलग दे। जो भी मम्मा मेरे लिए बनाती थी वो सब हेल्दी रहता था और साथ ही साथ टेस्टी भी रहता था। जैसे जो अपना व्हाइट सॉस पास्ता होता है दैट इज अनहेल्दी, देखने जाए तो मेयो रहता है एंड मैदे का पास्ता होता है। शी यूज्ड टू मेक व्हीट पास्ता विद हंकर्ड। तो आई सॉ कि मम्मा के पास वो एक स्किल सेट है, तो व्हाई नॉट गिव इट अ प्लेटफॉर्म। तो तब हमने द सिंपली सैलेड की शुरुआत की। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सोम, आपने आगे नहीं सोचा है पढ़ाई नहीं करना आपको? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कहाँ पे? मैं सेकंड ईयर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में बीबीए ऑनर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। वेरी गुड, गुड। और साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो आप लोग दोनों मिलके काम कैसे करते हो और सोम को क्या बोलते हो करने को? मैं रेसिपी पार्ट संभालती हूँ, सुबह का जो भी काम होता है रेडी करने का और वो सब वो मैं संभालती हूँ। और जैसे अभी 50 कस्टमर है तो 3 ड्राइवर है, तो वो कौन से एरिया में कौन से कस्टमर जाएंगे वो सब काम सोहम का है। उसके अलावा फाइनेंस का काम सोहम देखता है, सोशल मीडिया का काम वो देखता है। तो बाकी आपने कोई मैनेजर वैनेजर नहीं रखा हुआ? नहीं, अभी नहीं। ये सैलेड हर शाक तक पहुंचेगा कि नहीं? श्योर श्योर।
मैं सैलेड वैलेड ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यू विल एंजॉय इट। ये आपके लिए। कम ऑन। मेरे लिए स्पेशल क्यों लाए? मतलब सबके लिए स्पेशल। पर मैं सैलेड नहीं खाता। मजा आएगा सही में। आई प्रॉमिस। ट्राई इट, ट्राई अ स्पून। क्या है? दिस इज मैजिक सैलेड बॉल। मैजिक सैलेड। मेरे को बिना दूध का चलेगा? तो दूध है नहीं। दूध किसी में नहीं है। पनीर है। मैं ये रख लेता हूं तब तक। ये स्प्राउट बेल है। ये मैजिक सैलेड है। वो मैजिक। और ये क्या चीज है पायल जी? ये मल्टीग्रेन मुरमुरा है। ओके। पर ये होता क्या है? मुरमुरा मुरमुरा कुरमुरा कुरमुरा मूड़ी। सैलेड इज वेरी गुड। थैंक यू। वो क्रैनबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। रियल स्वीट टच। व्हाट इज दिस? ये मुरमुरा डाल के एंड हरी चटनी डाल के। तो ये हरी चटनी है कि कुछ और ड्रेसिंग? इसको देख, वाओ वाओ कर रहे हैं। खाता था मेरे साथ बैठ के गंदा खाना। ये एक और है क्या? ए, मुझे मुझे भी एक देना मामरा। दिस इज द बेस्ट, इज अ विनर प्रोडक्ट। आपने सही बोला। आई थिंक आपकी मॉम का कुछ हेल्दी प्लस टेस्टी का जादू सचमुच में आता है। इसमें एक हिडन इंग्रेडिएंट है, दैट इज हर लव। ओह दैट्स सो स्वीट। माँ का प्यार। ठीक है, अच्छा है। पायल जी, मैं आपका कस्टमर बन गया हूँ फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। थैंक यू। प्राइस बता दीजिए इसका कितना है बोल का आपका? ये अगर आप वीकली सब्सक्राइबर बन के मंगाएंगे तो 180 पर डे पड़ेगा। दैट्स नथिंग। और मंथली 150। 180 तो महंगा है। नहीं नहीं है। एवरेज प्राइस ऑन स्विगी ज़ोमैटो इज 350 टू 400 फॉर अ गुड सैलेड। तो अपना बिजनेस मॉडल समझा दीजिए। तो जो वीकली मंथली सब्सक्राइबर्स का टोटल है दैट इज 50 आउट ऑफ 80। अच्छा। एंड जो स्विगी ज़ोमैटो है वो कभी 30 रहता है, कभी 35 रहता है, तो वो ऊपर नीचे है। That is our bifurcation, 64%, 36%. और revenue कितना है दोनों का combined per month? Per month 4,42,000. अच्छा। और इसमें margin भी अच्छा खासा होगा? Yes, so gross is 64% and net is 47%. नहीं तो आपके घर में बच गया 2,00,000 रुपया महीने का। Yes, ठीक है? Yes. Wow. Thank you. That's great. और आपको इतनी knowledge है, जरा ये बात समझाइए कि what is your business plan? पहले तो बात आती है radius की। तो अहमदाबाद में अभी द सिंपली सैलेड कवर्स 35-40%। तो हम दो आउटलेट्स एक तो सेटअप करना चाहते हैं इन द गोता एरिया एंड वन मोर इन शाहीबाग एरिया। देन वी कैन कवर द होल ऑफ अहमदाबाद वेयर देयर इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ सैलेड। यहां पे हमें तो 3x हो जाएगा आपका बिजनेस। ठीक है, फिर आगे? जैसे हमारा मार्केटिंग कॉस्ट अभी तक कुछ नहीं रहा है और वो इंस्टाग्राम प्रमोशन में मैं मम्मा को बोलता था कि मुझे मंथ के 4,000-5,000 दे दो, मैं उसने प्रमोशन में ही यूज करूंगा और वहां से ऑर्डर ले आऊंगा। तो ये ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है? ऑर्गेनिकली, यस। वर्ड ऑफ माउथ? यस।